आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान दो धार्मिक पुस्तकों श्री राम चरित्र मानस एवं गीता तत्व विवेचनी का विमोचन भी मुख्यमंत्री व राष्ट्रपति के हाथों हुआ। राष्ट्रपति ने लीला चित्र मंदिर का दर्शन किया तथा भाव विभोर हो गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि प्राचीन काल से हमारे यहाँ धर्म और शासन एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। यहाँ मौजूद योगी आदित्यनाथ ने भी इन दोनों भूमिकाओं के समाहित रूप हैं। वह मुख्यमंत्री भी है और पीठाधीश्वर भी है। दोनों भूमिकाओं का एक में समाहित होना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस ने केवल धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकों के प्रकाशन की विश्व प्रतिष्ठित संस्था है, बल्कि इसकी ख्याति इसके अनूठे लीला चित्र मंदिर के लिए भी है। गीता प्रेस आगमन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की प्रथम महिला नागरिक श्रीमती सविता कोविंद, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सबसे पहले लीला चित्र मंदिर का अवलोकन किया। इसे देख प्रसन्नता के भाव से वह अभिभूत नजर आए। लीला चित्र मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों के श्लोक संगमरमर पर लिखे हुए हैं, साथ ही देवी देवताओं के सैकड़ों चित्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीर और दादू के दोहों का अंकन भी मंदिर में किया गया है। इन सब का अवलोकन कर राष्ट्रपति भाव विभोर हो गए। वह बरबस ही बोल पड़े, इस समय यह कार्य संभव नहीं है। लीला चित्र मंदिर में उन्होंने सीढ़ी के आकार के हस्तलिखित गीता देख यह जानने का जिज्ञासा जताई कि इसने किसे लिखा है। लिखने वाले की जानकारी न मिलने पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैं मान लेता हूं कि जिसने गीता रची उन्होंने ही लिखवाई होगी। श्री कोविंद लीला चित्र मंदिर पहुंचने वाले दूसरे राष्ट्रपति 29 अप्रैल 1955 में इसका उद्घाटन करने देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद आए थे। तब उनके पास गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में अगवानी करने के बड़हलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज उपस्थित थे। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गीता प्रेस लीला चित्र मंदिर आगमन पर मुख्यमंत्री के साथ ही गोरक्षक पीठाधीश्वर की भूमिका निभा रहे योगी आदित्यनाथ आगवानी को मौजूद है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।